वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इस टॉपिक्स का नाम है प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? योजना किसे कहते हैं? देखो, योजना का मतलब है कि किसी काम को करने से पहले उस काम को निर्धारित कर लें, उसको हम योजना कहते हैं। कि कोई काम कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन उस काम को करेगा, वो काम कैसे कंप्लीट होगा, तथा उस काम को करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी चीजें डिसाइड कर लेने को हम प्लानिंग कहते हैं। देखो, प्लानिंग इज deciding in advance. क्या डिसाइड करना है? What to be done? क्या करना है, ये डिसाइड करना है क्या करना है। मानो कि मैं आपके एक किचन की बात करता हूं, तो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या वस्तुओं को हमने बनाना है, क्या करना है, मीन्स कौन सी सब्जी बनानी है, आज आलू बैंगन बनानी है, टमाटर घिया बनाना है, और दूसरी जो दालें हैं वो बनानी है, तो क्या करना है। ऐसे हर एक काम में क्या करना है ये पहले डिसाइड कर लो, एक टाइम टेबल बना लो, उसमें क्या करना है, What to be done? ये योजना का एक हिस्सा है। How to be done? अब कैसे करना है? हर एक काम को करने का एक स्टेप होता है, एक सिस्टम होता है। देखो, बिना स्टेप से हम करेंगे तो चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे आपने स्टेप्स का लेडार बनाया हुआ है, तो स्टेप वाइज हम ऊपर जाते हैं। अगर आप ऐसे ही जंप लगाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, गिर सकते हो, चोट लग सकती है आपको। तो हाउ टू बी डन, काम को करने का एक तरीका, पहले डिसाइड कर लो इस काम को मैं ऐसे काम करूंगा, ठीक है। वेंट टू बी डन हमारा काम है, उसको हमने कब करना है, कब करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, डिसाइड कीजिए कब आपने करना है। योजना बनाइए कि मैं ये काम को इतने बजे करना है, इतने दिन में इस काम को मैंने कंप्लीट कर देना है। एंड देन व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, एंड हु विल डू, काम को कौन करेगा, तुम करोगे, तेरा रिश्तेदार करेगा, तेरा चाचा करेगा, मामा करेगा, या तेरा एम्प्लॉइज करेगा। अब देखो, इस कैमरे को मेरे एम्प्लॉइज ने पकड़ा हुआ है, इसको यहाँ घुमा दिया, इसको अब ये कैमरा इस तरह घूम हो गया, तो ये काम है कैमरे को पकड़ने का। मैंने डिसाइड कर लिया एडवांस में कि ये मेरा एम्प्लॉई इस काम को करेगा, तो हु विल डू, कौन से काम को करेगा, ये पहले से डिसाइड करना। तो ये है योजना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इस बात की लिस्ट बनाना ही योजना है। हर एक काम में योजना बनती है, चाहे वो बिजनेस है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसमें आप ये सोचोगे कि क्या काम करना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, कब सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम में से कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा, कैसे उस सर्विस के लिए हमने धन को प्राप्त करना है, तो डिसाइड करना। आज अगर आप प्लानिंग के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बनाने लग गए, आपने एक योजना बना ली कि हम इस काम को ऐसे ही करेंगे, हर एक सिस्टम को पहले ही लिख दिया कि
ये काम को ऐसे करना है, ये काम को ऐसे करना है, तो आप उसमें सक्सेस होंगे। जो व्यक्ति योजना ही नहीं बनाएगा उसमें सक्सेस कैसे प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी कैसे? तो सबसे पहले इस योजना को बनाने के लिए जो मेन चीज होती है वो है आपका ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसको फिक्स कीजिए। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है वो होता है आपका प्रोसीजर। किसी काम को करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। बैठिए तीन दोस्त, तो उस प्रोसीजर के ऊपर डिस्कस कीजिए, उसको फिक्स कीजिए। तो फिर बनते हैं आपकी पॉलिसी। जो पॉलिसी है वो आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है कि आप एक पॉलिसी देखते हो। मान लो कि हमने YouTube खोला, YouTube के लास्ट में जाकर है टर्म्स एंड पॉलिसी, पॉलिसी एंड टर्म्स। तो वो क्या है, YouTube की प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे ही आप गूगल सर्च इंजन पे बैठे हो तो उसके नीचे आएगा पॉलिसीज, पॉलिसीज। तो उनकी अपनी भी योजनाएं हैं। हर एक संस्था, हर एक बिजनेस एक पॉलिसी बनाती है। तो देन जो काम पॉलिसी से नहीं चलता, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं टोस, टर्म्स ऑफ सर्विस, कि भैया आपकी सर्विस के लिए, आपके काम के लिए ये नियम है, ये सख्ती से लागू होंगे। ओके, तो आज हमने चैप्टर का पहला हिस्सा किया प्लानिंग। प्लानिंग मींस इज, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हु विल डू। ओके, तो ये क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो लिखना ही प्लानिंग है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैनेजमेंट की पहली क्लास में आप सबका धन्यवाद।